हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम टिपिकली लास्ट टाइप का जो प्रोफाइल है एसएचएम का, उसको हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद का जो चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, और जैसे कि रोटेशन हम पहले कवर कर चुके हैं, तो और भी जो प्रॉब्लम होगा, जो कि मैकेनिक्स का सबसे बढ़िया प्रॉब्लम जो कि सेंटर ऑफ मास से बन सकता है और कॉलिजन से बन सकता है, तो कॉलिजन वाले चैप्टर और सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर को हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए एक बेसिक्स क्वेश्चन से इस लेक्चर का हम शुरुआत करते हैं। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है कि ये आपका अर्थ है, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपसे। इस टाइप का क्वेश्चन मतलब जो है ग्रेविटेशन का कंसेप्ट इसमें यूज होगा, और रही बात ग्रेविटेशन चैप्टर की तो वो भी हम कवर करेंगे। तो ग्रेविटेशन चैप्टर और दूसरा एसएचएम दोनों को मिक्स करके इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। अब कुछ ऐसा है आपका कि अर्थ के सरफेस में हम होल किए जो कि इसके इक्वेटर से पास किया इस टाइप से, और आपको कुछ ऐसा दिया गया है कि यहाँ पे हम होल कर दिए एग्जैक्टली नीचे हम होल किए, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास, समझिए कि एक टिपिकल ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको स्मॉल एम दिया हुआ है, और यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, तो क्या होगा? ये आपका है सेंटर, सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसमें क्या होगा, सिंपली टिपिकली ये इधर आएगा, और क्यों आएगा? क्योंकि सेंटर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स है, तो कुछ ना कुछ इसके पास जब यहाँ तक पहुंचेगा, तो इसके पास समझिए कि इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा, यानी सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ जब यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, जिस वेलोसिटी के वजह से, क्योंकि यहां पे इसका वेलोसिटी जीरो है, v इज इक्वल टू जीरो है। अब जब यहां पहुंचेगा, तो इसके पास कुछ ना कुछ v वेलोसिटी होगा, और v वेलोसिटी जो कि इसके इस डायरेक्शन में मूव करेगा, v वेलोसिटी से ये नीचे जाएगा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है। तो ये अगर इस पॉइंट को अगर हम ले लेते हैं, दिस इज द पॉइंट दैट इज ए, और अगर ये सी पॉइंट पे पहुंचा और ये पॉइंट को हम बी लेते हैं, तो क्या होगा कि ए से सी तक तो पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि मतलब इधर इसके पास ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स से अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, लेकिन जब ये सी पॉइंट पे पहुंचेगा, तो इसके पास अपना वेलोसिटी हो जाएगा, तो वेलोसिटी के वजह से ये नहीं रुकेगा और ये आगे चला जाएगा, और ये ऑब्वियसली बी पोजिशन पे पहुंचेगा। वी पोजीशन पे जाते जाते इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वापस से जीरो हो जाएगा, वापस से जीरो हो जाएगा। फिर इसको सेंटर अट्रैक्ट करेगा, फिर ये सेंटर से अट्रैक्ट करेगा, तो फिर इसके पास वापस से इधर जाएगा, फिर ये सेंटर इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फिर वापस से जाएगा, तो फिर इसके इस डायरेक्शन में इस बार वी वेलोसिटी होगा, वी वेलोसिटी इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे फिर वी होगा, क्योंकि अपने वी वेलोसिटी की वजह से फिर ये आगे चला जाएगा। आप ऐसा समझिए कि यहां से सेंटर से ये आगे इस वजह से जा रहा है क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है बी, तो वी जब तक जीरो ना हो जाए तब तक ये आगे जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा उसके बाद वो रुक जाएगा फिर वापस से, तो इस टाइप से इसमें मोशन होगा, ऑसिलेशन में ये इस टाइप से मूव करेगा। तो आप इसको बताइए कि आने जाने में, यानी कि ए से सी, सी से बी, फिर वापस से बी से सी, और सी से, यानी कि फिर वापस से बी से सी, और सी से फिर वापस से ए पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, यानी फाइंड द टाइम पीरियड। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको फिर से टाइम पीरियड पूछा है, तो नीचे लगने वाला फोर्स इसका क्या हो जाएगा, किस वजह से ये नीचे जा रहा है, तो एम जी के वजह से जा रहा है, एम जी इसको नीचे ले जा रहा है, तो इसमें हम फिर यूज करेंगे वही रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर, जिसके वजह से ये मोशन कर रहा है।
तो सिंपल सा बात है, नेगेटिव mg के वजह से कर रहा है, नेगेटिव साइन रीस्टोरिंग फोर्स को दिखाने का, मतलब नेगेटिव साइन यहाँ ये दिखा रहा है कि फोर्स जिधर लग रहा है, जिधर भी उसके अगेंस्ट में मोशन हो रहा है, इसका नेगेटिव साइंस का मतलब ये है। तो इस टाइप से यानी कि एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होता है। तो इसमें क्या होगा mg, तो इसमें g डैश ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अर्थ सरफेस है, बीच में हम होल किए हैं, तो ये इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे a पोजीशन पे क्या है, जीरो है। यहां से फ्री फॉल किया तो सेंटर इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ मास है तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस पोजीशन पे आते आते यानी कि पोजीशन जब ये सेंटर पे पहुंचेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, इस वेलोसिटी के वजह से ये आगे एक्सटेंड होगा, आगे भी वेलोसिटी से चला जाएगा। जब इस पॉइंट पे ये पहुंचेगा तब यहाँ पे इसका वापस से फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर इसको सेंटर से फिर अट्रैक्ट करेगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में जब ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो इस डायरेक्शन में फिर वापस से क्या लगेगा, mg लगेगा। तो इस टाइप से इसमें मोशन करता रहेगा, a से c, c से b और फिर वापस से b से c और c से a। तो इसमें आपसे पूछा है कि आप बताइए इसमें टाइम पीरियड कितना लगेगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें g डैश इसको ले लेते हैं क्योंकि g जो है चेंज करता है, आपको तो पता होगा। तो कहने ग्रेविटेशन का भी कंसेप्ट इस क्वेश्चन में फिक्स है। तो अब इसमें बहुत बार आपको वेलोसिटी दिया रहेगा, अभी हम फ्री फॉल वाला पोजीशन पे जा रहे हैं, बहुत बार वेलोसिटी दिया रहेगा, उसके बाद आपसे टाइम पीरियड पूछेगा, अलग अलग टाइम का वेलोसिटी पूछेगा। तो पहले हम टाइम पीरियड इसका निकाल लेते हैं, उसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पूरा SSM का प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि यहां से सेंटर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यहां आने के बाद इसका वेलोसिटी बी के वजह से ये आगे हो जाता है, यहां पे रुक नहीं पाता है, लेकिन ये आगे हो जाता है, बी पोजीशन पे जाते जाते अपना वेलोसिटी लूज कर जाता है, तभी ये रुकता है। तो v इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, किस पोजीशन पे, बी पोजीशन पे। फिर वापस से इस टाइप से मोशन होते रहता है, टू एंड फ्रो मोशन हैपेंस। सो दिस इज द SSM, फाइंड द टाइम पीरियड। तो यहां से हम निकाले, अब जैसा कि हम इसमें बताए हैं ग्रेविटेशन में जी का वैल्यू यहां से हम निकाले। तो जी का वैल्यू के लिए हम बहुत सारे फॉर्मूला बताते हैं, अर्थ के ऊपर, अर्थ के नीचे, तो सबके लिए हम अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां से अगर हम जी का वैल्यू निकालें तो जी का वैल्यू यहां से आपका हो जाएगा माइनस एम, जी को लिख देते हैं जी बाय, इसका रेडियस कुछ ना कुछ होगा, ये रेडियस आप ले लीजिए कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये आपका आ जाएगा। और एक्स क्या ले लेते हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं कि इस पोजीशन से अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो माइनस एम कैपिटल जी बाय आर इंटू एक्स। अब ध्यान देखिए, एक्स अगर आर के बराबर हो गया तो, अब ध्यान से देखिए, जी का वैल्यू, जी डैश का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल जी बाय आर इंटू एक्स। एक्स क्या है, एक्स है पोजीशन, अब यहां से पोजीशन आर है तो कभी एक्स का वैल्यू आर हो गया तो इसका वैल्यू पूरा जी हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पे जी का वैल्यू जी, यानी अर्थ सरफेस पे जी हो जाएगा। तो ये हम कब यूज करते हैं, जब एक्स का वैल्यू कम हो तब हम यूज करते हैं, क्योंकि हम जी का वैल्यू ग्रेविटेशन चैप्टर में हम अलग अलग मेथड से हम यूज करते हैं, तो वो हम वहां बताएंगे। बस फिलहाल आप इतना याद रखें, जी का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल जी बाय कैपिटल आर इंटू एक्स। एक्स क्या है, उसका पोजीशन, कि उसका पोजीशन सेंटर से कितना दूर है, अगर आर हुआ तो जी हो जाएगा, यानी कि अर्थ सरफेस पे, यानी एक्स बराबर अगर आर हो गया, यानी कि इस पोजीशन पे अगर हमको जी का वैल्यू चाहिए तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सिंपली जी ही हो जाएगा। तो ये जी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते घटते रहता है। तो ये आपका आ गया एफ आर, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन एम जी, जी बाय आर इंटू एक्स। तो ये आपका आ जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स, जिसके वजह से इसमें टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है और हमको इसका टाइम पीरियड चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है,
रिस्टोरिंग फोर्स आपका आ गया, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो फोर्स इसमें हम लिखेंगे, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम क्या डिनोट करते हैं एसएचएम में, एफ से। तो एम इंटू ए दैट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन एम कैपिटल जी, जी बाय कैपिटल आर इंटू एक्स। यहाँ से एम से एम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा एफ दैट इज इक्वल टू जी बाय आर इंटू एक्स। इतनी, तो ये आपका आ गया क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ब्लॉक। तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। अब आपको यहां से क्या, अब तो आप निकाल सकते हैं टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन आ गया। तो ये जो मल्टीप्लाई उसमें कांस्टेंट टर्म होता है, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव साइन इनटू एक्स। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो जी बाय आर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। सो ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी बाय आर। सो ओमेगा दैट इज इक्वल टू रूट ओवर जी बाय आर। अब यहां से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे, अब से टाइम पीरियड ही पूछा है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और ट्विस्ट हम लाएंगे। अभी तो सिंपली आपका टाइम पीरियड अब आ गया 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी बाय आर, तो आर बाई जी हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये आपका आ गया सिंपली टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर आर बाई जी। अब जी का वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, तो सिंपल सा बात है, इसका टाइम पीरियड का वैल्यू इस केस में, पर्टिकुलर इस केस में आपका क्या आ गया, 2 पाई रूट ओवर आर बाई जी। लेकिन जी का वैल्यू चेंज होते रहता है, आप एज ए इसे कंसेप्ट समझिए कि आपको ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके इसको हम डील किए। अब ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि आप पूरा अर्थ को होल्ड करें और इस टाइप से मोशन चलता रहेगा बिना कोई इनर्जी दिए हुए, इट कांट बी पॉसिबल, इट्स जस्ट ए थ्योरी। में हम टाइम पीरियड निकाले थे, उसी के हेल्प से हम अलग अलग पॉइंट पे इस बार वेलोसिटी निकालेंगे। एक पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी आपको v दैट इज इक्वल टू रूट ओवर जी आर। आर क्या है, r आपको दे दिया हुआ है कैपिटल r, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस आपको कैपिटल r दे दिया है। और आपसे अलग अलग पॉइंट का क्या पूछ रहा है इस बार, अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, यानी कि जब ये सेंटर पे पहुंचेगा, ये सी है, इस पॉइंट को बी, मतलब हर एक पॉइंट पे आपसे वेलोसिटी पूछा है कि आप बताइए फाइंड द वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस टनल। आप ऐसा समझिए कि बीच में खुद को हम क्या बना रहे हैं, इसका टनल, यूज द टनल, टनल हम खोद के बनाए हैं बीच से, ये अर्थ सरफेस है, बीच से खोद के हम इसमें क्या किए हैं, टनल बना है। और अलग अलग पॉइंट पे इस बार वेलोसिटी, जैसा कि हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी हम फिलहाल डिस्कस किए थे, रूट ओवर आर बाई जी आया था। अब इसको भी हम यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, वी गेटिंग द वेलोसिटी ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस टनल। अब हम क्या यूज करेंगे, जैसा कि आपको क्या दे दिया, वेलोसिटी, वेलोसिटी इस पॉइंट पे दे दिया हुआ, तो वेलोसिटी ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। अब ध्यान से देखिए, फिर से हम बता रहे हैं एसएचएम कैसे करेगा, यहां से इधर अट्रैक्ट होगा, क्यों, कि सिंपल सा बात है कि एक ब्लॉक है जिसका मास आपको क्या दे दिया हुआ है एम, वो इस टाइप से मोशन करता रहेगा और हर एक पॉइंट पे इसका अपना अपना वेलोसिटी होगा। बस वही चीज आपको निकालना है, इसका इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। आपको एक पॉइंट का वेलोसिटी दे दिया हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये मीन पोजिशन हो जाएगा, इस पॉइंट यहाँ से आने पे यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा जिसके वजह से ये आगे एक्सटेंड होगा, वेलोसिटी यहाँ पे आते आते एम जी के वजह से वेलोसिटी ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पे आते आते वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, वापस से जो जी आर था वही यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, रूट जी आर। और आपका इस, आप इसका इक्वेशन बताइए, हर चीज़ आपको बताइए, जैसे कि टाइम पीरियड के लिए हम अभी डिस्कस किए थे, टाइम पीरियड क्या आया, 2 पाई रूट ओवर आर बाई जी। अब जैसा कि v के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, a रूट ओवर, a क्या है, एम्पलीट्यूड, यहां से क्या यूज करते हैं, ओमेगा इंटू
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं किसी भी इंस्टेंट पे SHM में, अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो वी यूज दिस फॉर्मूला। ये क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एनी किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चाहिए, ये आपका क्या है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर इस केस में वेलोसिटी तो होगा नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दिया हुआ है, तो ये आपका आ गया v दैट इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर a। a क्या है उसका, a उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ a एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है, तो इसमें हमेशा लिखते हैं कैपिटल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स पोजीशन है। अब सेंटर पे जब पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पोजीशन क्या हो जाएगा एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो, और आपको वेलोसिटी दे दिया हुआ है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, इस पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी। सो ए पॉइंट पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी यहां पे रख देंगे रूट ओवर क्या है जी आर। तो और यहां से R का डिस्टेंस, एक्स का डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड निकल जाएगा, सिंपल सा बात है। ओमेगा का वैल्यू आपको पहले से पता है, ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा का वैल्यू आया था रूट ओवर जी बाय आर, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ओमेगा डेट इज इक्वल टू रूट ओवर जी बाय आर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इस केस में जब ये ए पोजिशन पर रहेगा, जब When block at position A, जब A पोजिशन पे ये रहेगा तब इसके पास X का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है R हो जाएगा। तो X का वैल्यू इसमें हम R पुट करेंगे, तो आपका एक ही अननोन है बच जाएगा, एम्पलीट्यूड बच जाएगा। तो अगर इस SHM का आपसे इक्वेशन पूछा है तो वो भी निकल जाएगा, यहां से आपका क्या हो जाएगा G से G कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपका क्या हो जाएगा G by R दिया हुआ है, G या GR दिया हुआ है, एक मिनट लेट मी चेक, GR यहां पे आपका आ गया, तो G से G कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आपका आ जाएगा A स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, और x के जगह पे क्या पुट कर देंगे r पुट कर देंगे, तो यहां से एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा सिंपली, यहां पे ये रूट r, ये भी रूट r, दैट इज r, रूट g से रूट g कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे आपका बचेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट, और x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे r, तो यहां से आपका आ जाएगा r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो x बराबर क्या पुट कर देंगे, x बराबर r पुट कर देंगे, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड आपका आ जाएगा 2r स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर। सो a का वैल्यू यहां पे आपका आ जाएगा रूट 2r। तो यहां से क्या आया, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा, जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, वी गेट द वैल्यू दैट इज ए क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, वी गेट द वैल्यू रूट टू आर। तो ये आपका आ गया एम्पलीट्यूड आ गया। अब ध्यान से देखिए इसका अगर इक्वेशन आपको चाहिए, अब किसी भी पॉइंट पे अब हम क्या लिख रहे हैं, इसका हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। एक पॉइंट पे वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका हमको टाइम पीरियड पता था, टाइम पीरियड पता था, तो यहां से हम क्या निकाल लिए एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकाल लिए, एंगुलर फ्रिक्वेंसी पुट कर दिए। तो हम हर एक पॉइंट का, आप यहां से आप क्या है, जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, किसी का भी हम अगर इक्वेशन लिखते हैं x दैट इज इक्वल टू a क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन साइन ओमेगा t प्लस फाइव, फाइव क्या है यहां पे, फाइव आपका है फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। तो सिंपल सा बात है, अब हम हर एक पॉइंट का, इसके each and every point in this tunnel
वी रिक्वायर्ड द वेलोसिटी। तो अब हम वेलोसिटी इसका हम से हर एक पॉइंट का निकाल लेंगे। अब आपका इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन दैट इज इक्वल टू एक्स, ए का वैल्यू भी आपका आ गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आके इसमें देखते हैं, ए का वैल्यू आपको रूट टू आर दिया हुआ है, यानी एक्स का वैल्यू यहां से आपका क्या आ गया रूट टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम फाइव का वैल्यू ले जाते हैं, दैट इज फेज कॉन्स्टेंट। अगर फाइव का वैल्यू में आ गया तो हम हर एक पॉइंट का क्या इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे जब टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इनिशियली क्या है इस पोजिशन पे टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स क्या था आर था। अब क्या हम इसमें पुट कर देंगे टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जब ये मोशन शुरू हो रहा है तो ये आपका क्या है टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या है एक्स क्या है आर है, बस इसमें पुट करते हैं। तो एक्स दैट इज इक्वल टू आर, तो रूट टू आर साइन, जब टी बराबर जीरो पुट करेंगे तो ओमेगा इंटू टी जीरो प्लस फाइव, तो यहां से फाइव का वैल्यू आपका आ जाएगा आर से आर कैंसिल, तो यहां पे आपका आ जाएगा वन बाई रूट टू दैट इज इक्वल टू साइन फाइव, साइन फाइव का वैल्यू यहां से आपका आ गया रूट टू। अब ध्यान से देखिए साइन फाइव दैट इज, तो यहां से फाइव का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक तो पाई बाई फोर और एक क्या हो सकता है थ्री पाई बाई फोर, दो ही चीज हो सकता है, कौन सा क्वाड्रेंट, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये आपका आ जाएगा पाई बाई फोर पाई माइनस पाई बाई फोर दैट इज थ्री पाई बाई फोर इस सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब हम यहां से देखते हैं कि इसमें कौन सा वैल्यू एप्लीकेबल है, तो इसमें पाई बाय फोर अगर हम पुट करते हैं तो अब ध्यान से देखिए मीन पोजीशन से ये दूर के स्थिति में है। अब ध्यान से देखिए ये क्या है मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन तो ये है क्योंकि फोर्स इधर, फोर्स जिधर लगता है मीन पोजीशन वही होता है, यानी कि एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, यानी फोर्स भी मीन पोजीशन की तरफ लगता है, फोर्स which is acted on towards the mean position and acceleration as well as। तो यहां से अगर हम पाई बाई फोर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर तो कभी हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजिशन से आ रहा है, मीन पोजिशन से जब ये अगर टी इज इक्वल टू जीरो पे ये मीन पोजिशन पे रहता तो हम पाई बाई फोर लिख देते तो इशू नहीं था, लेकिन अब अगर हम पाई बाई फोर लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजिशन से आ रहा है। यहां से आपको क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइव का वैल्यू दो चीज है, एक तो पाई बाई फोर होगा एक थ्री पाई बाई फोर। अब आपको समझना है कि पाई बाई फोर होगा या थ्री पाई बाई फोर होगा, वो आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा फाइव का वैल्यू, फाइव क्या है यहां पे दैट इज फेज कॉन्स्टेंट, फेज कॉन्स्टेंट जिसका वैल्यू आपका क्या है थ्री पाई बाई फोर। अब क्या आ गया आपका इक्वेशन आ जाएगा, अब इक्वेशन आ जाएगा तो हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं हर एक पॉइंट का। तो इक्वेशन क्या आ गया एक्स दैट इज इक्वल टू ए, यानी कि टू रूट रूट टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थ्री पाई बाई फोर, ये आपका आ गया इक्वेशन। अब आप किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब आपके लिए क्या आ गया दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये आपका क्या आ गया इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब अगर हमको बी पॉइंट पे या किसी भी बीच के किसी भी पॉइंट पे, अब बस अब टाइम का वैल्यू पुट कीजिए और आपका क्या आ जाएगा सिंपल सा बात है इक्वेशन जब आ गया तो आपका हर चीज यहां से हम ला सकते हैं, वेलोसिटी भी ला सकते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एसएचएम पॉइंट बी। तो अब ध्यान से देखिए वेलोसिटी एट द पॉइंट बी हमको निकालना है, इक्वेशन हमारा आ गया है। तो जब बी पोजीशन पे पहुंचेगा तो ये अगर आर है तो ये इस एक डायरेक्शन को अगर हम ये पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर वाले को निगेटिव ले लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस आर, एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस आर, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू माइनस आर आ गया
बस इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो x दैट इज इक्वल टू माइनस आर रूट टू आर साइन ओमेगा टी प्लस 3π/4। अब r से r कैंसिल, इधर पे आपका आ जाएगा माइनस 1/√2 दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 3π/4। अब ध्यान से देखिए, साइन का वैल्यू नेगेटिव साइन में आ रहा है, तो साइन नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में आपका आता है, तो साइन का नेगेटिव आपका आ जाएगा या तो थर्ड या तो फोर्थ, यही दो क्वाड्रेंट है। अब ध्यान से देखिए, और अगर हम इसमें देखें वैल्यू, तो अगर हम इस क्वाड्रेंट में लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा, सिंपली यहां पे आपका पाई बाई फोर। अब यहां से अगर हम इधर का ये वाला आपको इस क्वाड्रेंट में आपका आ जाएगा 3π/4, ये आपका आ जाएगा 5π/4 और ये आपका आ जाएगा 7π/4। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम 5π/4 लेते हैं x का वैल्यू, अब ध्यान से देखिए यहां पे हम क्या लेंगे, या तो 5π/4 लेंगे या तो 7π/4 लेंगे। अब एक बार वैल्यू हम 5π/4 लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो हो नहीं सकता है, साइन नेगेटिव उसमें तो होगा नहीं, तो यहां पे अगर हम लेते हैं 5π/4 दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 3π/4, तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5π/4 माइनस 3π/4 दैट इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए, अगर हम 7π/4 लेते तो इसके बीच का डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, जो कि हो नहीं सकता है। आप ध्यान से देखिए, यहां से 3π/4, अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, तो याद रखिएगा इस पोजीशन पे 0, यहां π/2 इधर अगर जा रहा है, और ये वापस आया वापस घूमते हुए, तो यहां पे क्या हो जाएगा पाई, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और फिर इधर से आएगा, तो लास्ट में क्या हो जाता है 2π हो जाता है। तो सिंपल सा बात है, पहले 0 से π/2, π/2 से जब इस डायरेक्शन में आ रहा है तो पाई, और ये आपका आ जाएगा 3π/2, और ये जब वापस जाता है तो ये आप इस पोजीशन पे आपका आ जाएगा 2π। तो इस पोजीशन, ये हम थोड़ा ग्राफ आपको बता ही दे कि ये पाई पाई बाई टू वाला खेल क्या चलता है। याद रखिएगा, ये आपका मेन पोजीशन है, ये आपका फर्स्ट एक्सट्रीम, ये आपका मेन पोजीशन, मेन पोजीशन। तो इधर अगर गया तो यहां पर पहुंचा तो पाई बाई टू, अगर फिर ये वापस आया, ये समझिए ए पोजीशन है, ये बी, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, तो 0 से पाई बाई टू, एक्सट्रीम से फिर मीन की तरफ आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा पाई, और फिर इधर अगर जा रहा है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन निगेटिव एक्सट्रीम में जब आ रहा है, तो यह आपका आ जाएगा 3π/2, और फिर जब ये वापस आएगा तो क्या हो जाएगा 2π। ऐसे ही मोशन करता रहता है। तो यहां से क्या होगा, या तो थीटा ये होगा या तो ये होगा, तो क्या आपका आ रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन से जब आएगा तो सिंपल सा बात है किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो सिंपल सा बात है या तो आप इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट लगा सकते थे या ये वाला, तो ये वाला आप लगाइएगा तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है कि 2π/4 आ गया, यानी π/2 आ गया, यानी ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू, और ओमेगा का वैल्यू आपको पहले से ही पता है, ओमेगा दैट इज इक्वल टू रूट जी बाय आर, तो बस ओमेगा का वैल्यू यहां से निकाल ले, तो ये आपका आ जाएगा ओमेगा टी का वैल्यू आ गया दैट इज पाई बाई टू। और अगर आप 7π/4 रखते हैं तो इसके बीच का गैप क्या आता, तब ओमेगा टी का वैल्यू आपका आ जाता 7π/4 माइनस 3π/4 दैट इज 4π/4, यानी कि बीच का गैप पाई आ जाता। सिंपल सा बात है, 4 से 4 कैंसिल, यानी ओमेगा टी का डिफरेंस आपका क्या आ जाता पाई, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दो के बीच में मिनिमम गैप आपका क्या चाहिए, मिनिमम गैप पाई बाई टू होगा। तो ये वाला वैल्यू, तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल, जिसमें आपको ये समझना है कि किस पॉइंट पे कौन सा वैल्यू ले,
तो अगर यहाँ पे हम ये वैल्यू लेते तो इसके बीच का गए ओमेगा टी का वैल्यू क्या आ जाता, पाई आ जाता, जो कि नहीं हो सकता है। बीच का, दोनों के बीच का डिफरेंस मिनिमम क्या होना चाहिए, एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच का गैप पाई बाई टू होता है। सो दिस इज द क्वेश्चन जिसमें आपको इक्वेशन सारा कंसेप्ट आपका क्लियर इस क्वेश्चन से, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम आपको ग्रेविटेशन में भी मिलेगा, तो उसमें टाइम पीरियड वहां भी आपसे पूछ सकता है। सो ये जो है SSM का ही क्वेश्चन नहीं है, समझ जाइए। इस बार इस टाइप से रहेगा तो क्या करेंगे, इस बार टनल हॉरिजेंटली, पिछला बार आपको से वर्टिकली पूछा गया था, इस बार हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजेंटली ट्रीट करेंगे और यहाँ पे इस टाइप से रखेंगे। फिर वापस से अर्थ का रेडियस हम क्या लेंगे, कैपिटल R, और इस बार क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम यहां कहीं रखें जो कि सेंटर से इसका x डिस्टेंस बना रहा है। अब ध्यान से देखिए mg किधर लगेगा, अब mg हर बार की तरह तो सेंटर की ही तरफ लगेगा, यानी कि mg तो इधर ही लगेगा टुवार्ड्स द सेंटर। तो इस बार mg नीचे नहीं लग के इस बार g इधर लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वर्टिकली था तब तो प्रॉब्लम इजी था, लेकिन जब ये हॉरिजेंटली होगा तो mg किधर लगता है, क्योंकि ये ग्रेविटेशन फोर्स से तो अट्रैक्ट करेगा, तो अपने सेंटर की ही तरफ अट्रैक्ट करेगा। रेडियस ऑफ अर्थ अब ध्यान से देखिए अब होगा क्या, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, तो ये वापस से आएगा, इसको इधर फोर्स लगेगा, फिर वापस से ये इस पोजीशन पे जाएगा, फिर इस पे इधर फोर्स लगेगा, तो ये फिर इस टाइप से मोशन करेगा, ए से बी और बी से सी, इस टाइप से इसका मोशन चलेगा, ए से बी, बी से सी, फिर सी से वापस बी और बी से वापस ए। सो दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज SHM, सो फाइंड देयर टाइम पीरियड, क्वेश्चन वही है। अब क्या होगा यहां से, क्योंकि ये जी इस डायरेक्शन में लग रहा है, जी आपसे परपेंडिकुलर अब नहीं लग रहा है, क्योंकि जब ये जब इस टाइप का क्वेश्चन बना रहे थे जब ये वर्टिकल था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब क्या लगेगा, अब जी किधर लगता है, टुवार्ड्स द सेंटर, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा सेंटर की तरफ ही लगता है, तो इस बार जी इधर लगेगा, फिर वापस से वही क्वेश्चन, फिर हम वही लिखेंगे, एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स। अब ध्यान से देखिए, अब रीस्टोरिंग फोर्स इस बार बदल जाएगा, पिछला बार तो सिंपली mg लिख लेते थे क्योंकि वो वर्टिकल था, अब g नहीं लगेगा, अब इसमें फोर्स इधर, जी का दो कंपोनेंट है, अब एक कंपोनेंट ये भी होगा, अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो जी का दो कंपोनेंट है, तो नीचे जो लगेगा कंपोनेंट जी अब इधर है, तो इसका दो कंपोनेंट है, अब ऐसे लग रहा है जी, तो जी का एक कंपोनेंट ये, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट और दिस इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो इसमें जी का दो कंपोनेंट है, एक तो इधर भी लगेगा और एक इस डायरेक्शन में लगेगा, एक इस डायरेक्शन में लगेगा, तो जी का जो नीचे वाला कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट, तो थीटा एंगल बना रहा है, तो ये आपका हो जाएगा जी कॉस थीटा, एग्जैक्टली ये जो वाला कंपोनेंट है जो कि ये आपका वर्टिकल है यानी कि, और ये आपका हॉरिजेंटल है, तो ये आपका हो जाएगा जी साइन थीटा, तो इस बार आपको जी जी नहीं लग रहा है, जी साइन थीटा लग रहा है, तो एफ आर इस बार चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू एम, अब जी के जगह जी नहीं लगेगा, जी का ये कंपोनेंट, क्योंकि यही कंपोनेंट तो इसमें SHM करवा रहा है, तो जो SHM करवाएगा वही तो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, अब हमको जी कॉस थीटा से लेना ही देना नहीं है, हमको कौन सा कंपोनेंट, अब ध्यान से देखिए इसका दो कंपोनेंट है, एक नीचे लग रहा है एक ऊपर, तो इस कंपोनेंट के वजह से इसमें मोशन हो रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से ए, सी से बी, फिर वापस से ऐसे मोशन कर रहा है, तो आपको कौन सा कंपोनेंट चाहिए,
क्योंकि इसी की वजह से क्या हो रहा है, इसमें मोशन हो रहा है। तो इस बार हम लिखेंगे जी साइन थीटा, नेगेटिव साइन। अब यहां से एम जी, अब जी का वैल्यू भी जैसा कि पिछले क्वेश्चन से वो ग्रेविटेशन वाला कंसेप्ट हर बार हम यूज करते हैं, क्या जी बाय आर इंटू एक्स। इसमें भी हम यूज करेंगे एग्जैक्टली। अब इसमें बाकी साइन थीटा, अब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, तो साइन थीटा का वैल्यू अगर इसमें देखें तो साइन थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो सिंपल सवाल है थीटा के सामने एक्स बाय हाइपोटेनस। अब इसमें हाइपोटेनस क्या होगा, अब इसमें हाइपोटेनस होगा ये, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल सवाल है इसका वैल्यू अगर हमको चाहिए तो ये तो आपको परपेंडिकुलर आपका एक्स हो गया, हाइपोटेनस आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, जैसे सी यानी कि आपको क्या चाहिए, सी ए चाहिए, ये आपका हाइपोटेनस है। तो ये प्लस ए मतलब ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो यहां से अगर हम देखें तो इसका वैल्यू अगर हम हाइपोटेनस का लिखें तो रूट ओवर साइन थीटा का वैल्यू यहां पे इंपॉर्टेंट है, एक्स रूट ओवर, सिंपल सा बात है कि अगर हम इसको देखते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये इसके स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब आर ये नहीं है, आर तो टोटल ये है ना, अब ये हमको ये आपको आर बाय टू दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आर बाय टू का स्क्वायर, बस अब पुट कर देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर बाय टू का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये आपका वैल्यू आ गया, अब यहां से एफ आर का वैल्यू आ गया, एफ आर होता क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू एम जी बाय आर इंटू एक्स, और यहां साइन थीटा का वैल्यू आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो यहां से एफ का वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन, तो ये आपका आ गया सिंपली जी बाय आर। यहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स क्या होता है, एक्स इस यहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस रूट ओवर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से जब भी हम देखते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x का वैल्यू इस केस में g बाय r इंटू एक्स, तो x क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो सिंपल सा बात है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा, एक्स क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हो जाएगा आर बाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे होगा, ये भी तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, जब वर्टिकल था तब तो कोई उसमें दिक्कत नहीं था, लेकिन अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो एक्स के जगह पे हम क्या रुक करेंगे रूट ओवर आर बाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा सिंपल सा बात है वही जो पहले आया था, एक्स से एक्स कैंसिल, ये फिर आपका ये आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर जी बाय आर, फिर आपका टाइम पीरियड वही होगा जो पहले था, अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा टू पाई रूट ओवर आर बाय जी, तो ये क्वेश्चन